अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई एम मिस्टर खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी वर्ल्ड टूर्स, यानी दुनिया की सैर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक्स। आज एक बार फिर एक छोटे वीडियो के साथ हाज़र हो चुका हूँ आपके साथ गपशप लगाने के लिए। आज सुबह सुबह मैंने भाई को पहुँचाया सुल्तान कानूनी से आगे वनार पर चला गया। वनार से फिर आगे थक मोल पर चला गया। उधर हमारे एक मशीन उधर चल रहा है थक मोल पर, जो हमारा एक्सकेटर मशीन है DX उधर चल रहा है। और फिर थक मोल से मैं चला गया कुल 88 पे, दूसरी मशीन के पास मैं चला गया। वो मशीन चला गया काम पर, वहाँ पर तकरीबन 10-15 घंटे थे। अभी मैं घर जा रहा हूँ, मैं इस वक्त पहुँचने वाला हूँ सनावा मोड़ पे, ये चौक मुंडे से पीछे सनावा मोड़ पे। तो सुबह से मैं बाइक पर ट्रेवल कर रहा हूँ, सुबह से मैं सफ़र पे हूँ। तो मैंने कहा चलो गपशप लगाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज उसको लाजमी फॉलो करें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें। बस तमाम दोस्तों से सपोर्ट की अपील करता हूँ। सनावा मोड़ पहुँचने वाला हूँ, यहाँ तो रश कश भी है और सफ़र भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में मोटरसाइकिल चलाना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना। एक किलोमीटर बाकी है, ये सामने पीले फूल देख सकते हैं। मेरा मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहा हूँ, ये मेरा मोटरसाइकिल, सामने मालटी के बागात है। तकरीबन सनावा मोड़ पहुँचने वाला हूँ और व्लॉग को मैंने शॉर्टकट बनाना है। सिर्फ आपको आज मैं सारा दिन सफ़र पे था। ये सामने मालटी के बाग है और इस साइड भी मालटी के बाग है। तो आज मैंने सिर्फ आपके सफ़र के हाले से बताना था कि आज मेरा सफ़र कैसा गुजरा। सुबह सुबह मैं सुल्तान कानी चला गया, उससे आगे फिर वनार, फिर थक मोड़ पर और फिर कोला 88, अब तकरीबन सनावा पहुँचने वाला हूँ। तो आज का दिन सारा सफ़र पे गुजर गया। मैंने कहा चलो एक गपशप लगाते अपने दोस्तों के साथ, देखने वालों के साथ। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, फिर वीडियो को एडिटिंग करना, फिर सेटिंग करना, फिर जाके अपलोड करना। तो यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।